नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बाढ़ के बढ़ते कहर से मां गंगा और वरुणा के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस की चिंता रहती है। अपने संसदीय क्षेत्र का हाल जानने के लिए डीएम कौशल राज शर्मा से सीधा संवाद करके उन्हें बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने का निर्देश दिया और कहा कि कोई परेशानी हो तो सीधे संपर्क करें। पीएम मोदी के संवाद के ठीक दूसरे ही दिन सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचकर एनडीआरएफ की बोर्ड से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, बल्कि बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि सरकार है आपके साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एनडीआरएफ टीम के साथ दौरा किया, साथ ही बाढ़ प्रभावितों का हाल जाना। मुख्यमंत्री प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राजघाट पहुंचे, जहां पर एनडीआरएफ की बोट पर सवार होकर गंगा और वरुणा नदी के माध्यम से नदी से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री को बाढ़ प्रभावित इलाकों की जानकारी दी। एनडीआरएफ की मोटर बोट के माध्यम से काफिला पुराना पुल वरुणा तक पहुँचा, जहाँ से मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित सरैया गाँव का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। रात दिन राहत बचाव अभियान में जुटे हुए एनडीआरएफ के जवानों और उनकी कर्तव्य निष्ठा एवं मानव सेवा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब सराहा और एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में बचाव अभियानों में जुटी उनकी टीमों को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही सर्किट हाउस में कांस्य पदक विजेता ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय से मुलाकात की तथा उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित कर उनकी प्रशंसा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ में विधिवत दर्शन पूजन कर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।